क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज डूबने से 14 साल पहले ही कोई भविष्यवाणी कर दिया था कि टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा, और इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी एग्जिस्ट करता है जिसका लाइफ टाइम 10 लाख साल तक की होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे आने वाले और भी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फैक्ट नंबर 1, सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक व्यक्ति ने एक किताब लिखा था। उसमें उन्होंने एक जहाज के बारे में जिक्र किया था। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। उसने उस किताब में यह भी जिक्र किया था कि टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा। पर फैक्ट यह है कि उसके 14 साल बाद 1912 को रियल टाइटैनिक डूबने का बात आई। और हैरान करने वाली यह है कि उस किताब में यह भी जिक्र किया था कि टाइटैनिक जहाज बर्फ के टुकड़े पर टकराकर डूब जाएगा, और रियलिटी में भी यही घटना घटी। टाइटैनिक जहाज बर्फ के टुकड़े पर टकराकर ही डूब गया। ये गजब का इत्तेफाक है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें से सबसे ज्यादा साल तक जीने वाला एक सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है इंडोलिथ्स। 2013 के रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि यह जीव 10 लाख साल तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 3, पता है आइसलैंड में एक अमेजिंग फैक्ट क्या है कि वहां पर कोई मॉस्किटो नहीं है, यानी एक भी मच्छर नहीं है। फैक्ट नंबर 4, ये दुनिया का सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। आप आईफोन तो देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि एक आईफोन पीरियोडिक टेबल के इतने सारे एलिमेंट में से इसमें 75 एलिमेंट का यूज होता है, यानी पीरियोडिक टेबल का 75 एलिमेंट एक आईफोन बनाने में यूज होता है। सिर्फ एक एलिमेंट से आईफोन नहीं बनता है, बल्कि पीरियोडिक टेबल का 75 एलिमेंट का यूज होता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में बहुत सारे फेमस स्पेस एजेंसी है, उन्हीं में से एक स्पेस एजेंसी इसरो भी है। इसरो ने मंगलयान मिशन में एक ही बार में मंजिल तक पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया, और चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने और भी कुछ चौंकाने वाली मिशन के लिए भी तैयार है, जिनकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली इसरो ने कर दी है। इसरो ने दूसरे ग्रह और सूरज तक जाने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। यह मिशन 2020 को लॉन्च करने का प्लानिंग है। यह मिशन इसरो का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। वैसे तो सूरज तक पहुंचना इम्पॉसिबल लगता है, पर इसरो ने यह साबित कर देना चाहता है कि हम कर सकते हैं। इस मिशन का मकसद है कि सूरज के चारों ओर एटमॉस्फेयर और कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है यार।